नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आचार्य शिवानंद दास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे स्वाधिष्ठान चक्र मंत्र के बारे में तथा जानने की कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा आप अपने स्वभाव और व्यसन पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, इसे नेवल चक्र, नाभि चक्र भी कहते हैं। यह चक्र नाभि के बीच में यानी मणिपुर चक्र के नीचे और मूलाधार चक्र के ऊपर स्थित होता है। यह चक्र जल तत्व प्रधान होता है। इसका बीज मंत्र वंग बीज मंत्र माना जाता है। यह प्राण शक्ति को अपने आसपास के शरीर के भाग में प्रवाहित करता है, जिससे वो भाग चैतन्य रहते हैं। एक बच्चा माँ से नाभि के माध्यम से ही जुड़ा रहता है, वहीं से वो अपनी माँ से मानसिक व आध्यात्मिक संस्कार लेता रहता है। उसका शारीरिक विकास स्वाधिष्ठान चक्र के द्वारा होता है। यही कारण है यह चक्र जब सही तरह से चैतन्य होता है तब यह आपके विकास को रोकने वाले दुर्गुण जैसे आलस्य, भय, संदेह, बदला, ईर्ष्या और लोभ को नष्ट करने का कार्य करता है। जब यह चक्र खराब हो जाता है या गलत ढंग से कार्य करता है तब शारीरिक व मानसिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बुरी संगत, बुरे लोगों की संगत, नशीले पदार्थों का सेवन करना, व्यसन करना, बुरी आदतें, पैर के पंजे तथा तलवों में दर्द होना, सीखने की क्षमता कमजोर हो जाना, स्मरण समस्या, गर्भधारण में समस्या, मासिक धर्म की समस्या, भोजन का शरीर में न लगना, ठंडी चीज खाने से बीमार हो जाना, सर्दी जुखाम तथा छींक से हमेशा परेशान रहना, नाभि का खिसक जाना, किसी को सताने में बहुत ही आनंद आना, किसी की तकलीफ देखकर आनंद आना, पाचन क्रिया कमजोर हो जाना, पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां। इनमें से कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं या इनमें से कोई आदत है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र खराब है। आइए अब जानते हैं इस समस्या का समाधान इस मंत्र के अभ्यास से कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप किसी कुर्सी पर या सोफा पर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और जितनी देर तक हो सके रुक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें, फिर अपने आगे चक्र को यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए स्वाधिष्ठान मंत्र ओम ह्रीं वंग 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 ह्रीं स्वाहा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीं वंग 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 ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जप करें यानी बुदबुदाकर जाप करें। यह मंत्र आपको 15 मिनट तक जप करना है। इस तरह से इस मंत्र के अभ्यास को कम से कम 21 दिन तक नियमित रूप से करना है। इस मंत्र को किसी भी माला से जप सकते हैं या आप बिना माला के भी सिर्फ 15 मिनट तक जप कर सकते हैं। 21 दिन तक नियमित अभ्यास करने के बाद स्वाधिष्ठान चक्र पर नियमित रूप से ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और इसकी वजह से उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार तेजी से चलने लगता है और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपको जरूरी बातें, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। यह मंत्र जल तत्व प्रधान होने की वजह से इस मंत्र का अभ्यास हमेशा सोमवार के दिन से शुरू करें। यह जप आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप कर आगे कंटिन्यू फिर से कर सकती हैं। याद रखें कि जब भी कोई आप कार्य करने की शुरुआत करते हैं, संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें, अभ्यास को बीच में न रोकें। इस मंत्र को सुबह या शाम दोनों समय जप कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य लगाएं। यह मुद्रा आपके ब्रह्मचर्य को शक्ति से पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से बचें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे।
इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, जो सामाजिक कामों में हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।